नमस्कार, मैं हूं दिव्या त्यागी और आप देख रहे हैं लाइव चीनी एक्सप्रेस। प्रस्तुत है आज की खास खबरें। साथ में कल रात से ही प्रशासन द्वारा जिलाध्यक्ष अजय कुमार बार बार फोन करके यह कहा जा रहा था, आप लोग किसी प्रकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, और फिर सुबह प्रदेश कार्यालय पर नोटिस चस्पा कर दी गई। पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद प्रशासन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की अनुमति दी गई। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुनील कुमार चित्तौड़ जी, जिलाध्यक्ष अजय कुमार, प्रदेश प्रवक्ता अब्बास गाजी, प्रदेश कोषाध्यक्ष कमलेश कुमार भारती, लखनऊ मुख्यमंडल प्रभारी रवि डेविड, डॉक्टर सरोज जी, जिला महासचिव कमलेश भारती, जिला कोषाध्यक्ष सर्वेश कुमार एवं भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। लखनऊ से कैमरामैन सूफिया खान के साथ संवाददाता पंकज कुमार गौतम की रिपोर्ट। मैं पूछ रहा हूँ, मुझे आप ये बताइए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कहीं पुलिस प्रशासन ने लिख के दिया है कि कोई भी राजनीतिक दल या कोई राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस पत्रकारों के साथ करेगा क्या उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है? वो रैली जनसभा तो है नहीं ना, 10-15 पत्रकार ही रहेंगे ना साथ में, तो बिल्कुल जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? 5-10 मिनट के अंदर में चंद्रशेखर जी आ रहे हैं, वही फैसला लेंगे कि क्या करेंगे। ये सारी चीजें भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों के बीच में रखते हैं। तो ये थी आज की खास खबरें। ऐसी ही चुनिंदा और खास खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस, खबरों का खजाना लाइव टीवी के साथ।